नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। मुखबिर की सूचना पर आज सिटी कोतवाली पुलिस ने सोना खरीदते हुए दो लोगों पर की कार्रवाई। बता दें कि सिटी कोतवाली टीआईबी विकास थाना को मुखबिर की सूचना मिली थी कि पारदी समुदाय की महिला ने हड्डी मिल पर रहने वाले एक शफीक खान को सोना बेचा है, जिसके लिए एसआई राम शर्मा, असलम खान, आरक्षक वीरेन मौर्य, आरक्षक गिरराज शर्मा व आरक्षक आसिफ खान ने मौके पर पहुंचकर शफीक खान को गिरफ्तार किया और शफीक खान की निशानदेही पर सागर सोनी को सर्राफा बाजार से गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 26 तोला सोना जब्त किया गया है। सोना बेचने वाली पारदी महिला फरार बताई जा रही है। वहीं इन दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ की जा रही है ताकि और मामलों में भी कई खुलासे हो सके। सर बताएं क्या मामला है, कभी जो कुछ चोरी का सोना जो बिकने कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि हड्डी मिल पर एक शफीक नाम का व्यक्ति कुछ चोरी का सोना है उसको बेचने के लिए खड़ा है और उसको कोई पार्टी महिला है वो देखे गई है। सूचना पर एसआई राम शर्मा के नेतृत्व में टीम भेजी थी जो शफीक को वहाँ पर हड्डी मिल पर पकड़ा और उसके पास से कुछ सोना मिला था और कुछ उसने बेचना बताया था कि सागर सोनी को। पूछताछ पर उसने ये बताया कोई मोहरबाई है, उसने उसको ये सोना चोरी वाला जो चोरी का संदेह है जिस पर वो बेचने के लिए दिया था। सर कितना सोना जब्त किया है इसमें? कुल मिला के 22 ग्राम करीब सोना था, 22 ग्राम सोना करीब था। इसमें सर पहले भी अपराध दर्ज है क्या? नहीं, शफीक के खिलाफ इस संबंध में कोई अपराध दर्ज नहीं है। उस सोने में से करीब आधा सोना उसने सागर सोनी को बेच देना बताया था और उसका पैसा जो 31,000 रुपये करीब था उसको मोहरबाई को उसने दे दिया था। क्या सर मोहरबाई को उसकी गिरफ्तारी हो सकी है? मोहरबाई की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, शफीक की और जो सागर सोनी है इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है 41(1)(4) और 102(3)(89) के अंतर्गत। ख्याति प्राप्त रामकथा गायक श्री प्रेम भूषण जी महाराज के मुखारविंद इन दिनों गुना के लोग श्री रामकथा का रसपान कर रहे हैं। वहीं कल देर शाम भार्गव कृषि फॉर्म पर पंडित श्री प्रेम भूषण जी महाराज ने पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है और राम जन्मभूमि को वह समय समय पर अपने फायदे के लिए उपयोग कर लेती है। माननीय भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, राम मंदिर सदैव विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास का विषय रहा है। राजनीतिक पार्टी होने के नाते वो लोग अपने लाभ के लिए जब जब अवसर मिलता है प्रयोग कर लेते हैं। ईश्वर की कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है। ईश्वर का काम ईश्वर की कृपा से होता है। हम सब साधु लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जो वो चाह रहे थे उनको मिल गया है, इस बार कम से कम राम मंदिर प्रारंभ की योजना वो लोग बना दें। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में सत्ताधारी पक्ष साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं और ईश्वर करे कि जल्द ही मंदिर का निर्माण हो सके। तो सत्ताधारी दल भी है और हमारे मित्र हैं वहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं श्रीमान सतीश महाना जी। तो इनकी देखिए राजनीतिक लोग राजनीति का प्रारंभ ही होता है साम दाम दंड भेद से, इसलिए भगवान कृपा करें कि लोग मंदिर प्रारंभ करें। वहीं कांग्रेस के प्रति उन्होंने बताया कि कांग्रेस काम तो कर जाती है पर अपना श्रेय नहीं ले पाती है, जबकि इसके किए कार्यों का श्रेय कई दूसरी पार्टियां ले जाती हैं। जो कुछ भी हुआ है वो कांग्रेस ने किया है तो श्रेय वो लेना चाहेगी ना, उसे नहीं मिल रहा इसलिए नाराजगी जाहिर करेगी ना। कांग्रेस कर तो जाती है दरवाजे खुलवा, परंतु मुसलमान वो खिसक न जाए इसलिए उसको श्रेय नहीं ले पाती, खुल के सामने नहीं आ पाती। खुल के सामने वही बात है ना, वो डरती है और ये लोग डरते हैं नहीं, इनको तो फर्क पड़ता नहीं कुछ।
इनको तो वोट वैसे भी नहीं मिल रहा, माताओं का भले मिल गया मुसलमानों की। मगर राहुल गांधी ने अब की बार विगत दिनों इरफान नामक युवक द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस की ओर से आरोपी पर संबंधित धारा में मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक उक्त आरोपी की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए हिंदू समाज के कार्यकर्ता आज गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिटी कोतवाली एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस प्रशासन को आगामी दो दिनों में आरोपी को गिरफ्तार करने की मोहलत दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि यदि इन दो दिनों में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हिंदू समाज व्यापक विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। सात दिसंबर की घटना है, 14 साल की हिंदू समाज की बच्ची के साथ में इरफान खान निवासी करनेलगंज ने चांदवाड़ी में जाके और कुकर्म किया उसके साथ में। अभी तक उसकी यहाँ सिटी कोतवाली में ना उसकी कोई गिरफ्तारी हुई है और ना उसके परिवार वालों को बिठाया गया है। हिंदू समाज का कोई भी होता है तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, ये गलत बात है। आप मुझे बताइए आरोपी को अपन को छोड़ने का क्या मतलब है? सात दिन से आज कितनी तारीख हो गई है, 13 तारीख है, अभी तक कोई उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए हिंदू समाज ने पहले भी दो दिन का मोहलत दी थी पुलिस प्रशासन को कि दो दिन में गिरफ्तारी करें, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दो दिन का समय और हम अभी जा रहे हैं एसपी साहब के पास में, उनसे बात करते हैं, दो दिन का समय दे रहे हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे हिंदू समाज व्यापक रूप से विशाल रूप से धरना देगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, विषय टीआई अस्थाना जी द्वारा हिंदू समाज की बेटी के साथ हुए कुकर्म पर अभी तक कोई कार्रवाई न करने एवं रुचि न लेने बाबत। महोदय, पिछले दिनों हुई हृदय को झकझोर एवं शर्मसार कर देने वाली घटना, जिसमें आरोपी इरफान खान ने 14 वर्ष की बच्ची को पैदा फुसला कर चांदबाड़ी ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। इस घटना से पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। अगर इस पर समय रहते कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा हिंदू समाज अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। अतः महोदय से निवेदन है कि इस गंभीर मुद्दे पर उचित कार्रवाई करवाएं। आवेदक निवेदक प्रार्थी समस्त हिंदू समाज उस बच्ची के परिवार से भाई साहब मिल के आए, इतना मतलब इतने सदमे में, इतने दहशत में है वो परिवार और इसके साथ में उनको अभी भी धमकी मिल रही है। बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत गंभीर अपराध है निश्चित रूप से और पूरी गंभीरता से लगे हैं। टीम अभी एक जांची भी गई थी और इसकी बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। और वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पुलिस आरोपी की छानबीन कर रही है, क्योंकि आरोपी कहीं बाहर है और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है, पर उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। एक थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध हुआ है, उसके संदर्भ में लोग आए थे ऑलरेडी, उसमें बड़ी गंभीरता से विवेचना चल रही है और उसमें बहुत जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। यदि ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और उनकी क्या जो बात कही है उन्होंने उसकी तस्दीक करा लेते हैं और निश्चित रूप से उस पर। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? कई जगह दबिश दी जा रही है क्योंकि आरोपी लगातार बाहर है और तो उसमें हर तरीके से उसमें साइबर की मदद ली जा रही है और लगातार दो तीन टीमें उसमें उसकी तलाश कर रही हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। ऑल इंडिया डीवाईएफ के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
यह ज्ञापन उन्होंने जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। बता दें कि पटवारी परीक्षाओं में कई प्रकार की अनियमितताएं आ रही हैं, जिनकी ओर इन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान अवगत कराया है। साथ ही डीवायो के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से यह मांग भी की है कि पटवारी परीक्षा सहित अन्य सभी परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रिया को निःशुल्क किया जाए, क्योंकि जो छात्र इन परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं वह बेरोजगार होते हैं और उनके ऊपर आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए उन्होंने यह मांग की है। उक्त ज्ञापन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज यहाँ पर सौंपा गया। आज हम कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अभी पटवारी परीक्षा में कई सारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं, सर्वर डाउन हो रहा है, छात्रों को सेंटर नहीं मिल रहा है, उन अनियमितताओं को दुरुस्त किया जाए। साथ में ही जो छात्र नौकरियों के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वैसे ही वो छात्र बेरोजगार है, जुगाड़ तुगाड़ करके वो पैसे से फॉर्म भर रहा है, तो हम ये चाहते हैं, हम डिमांड कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, जितनी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको निःशुल्क भरवा दिया जाए ताकि छात्रों पर आर्थिक बोझ कम पड़े। इन सब डिमांड को लेकर के आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, 5 सूत्रीय ज्ञापन हमारा है। आरोन नगर में से मीट मार्केट को हटाकर नगर के कुछ ही दूर सिरोंज रोड पर स्थापित किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा लगातार बहुत दिनों से शिकायत की जा रही थी कि इस मीट मार्केट को यहां से हटाना चाहिए। वहीं कई लोगों ने प्रशासन के इस मीट मार्केट को हटाने की सराहनीय पहल का स्वागत भी किया है, साथ ही उन्होंने प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया है। उक्त मार्केट आज यहाँ से तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर एवं पुलिस थाना आरोन के स्टाफ की मौजूदगी में हटा दिया गया। मार्केट हटाया गया आरोन से बस स्टेशन के पीछे से, किन कारणों के कारण हटाया गया? जो मीट मार्केट लगता था वो स्कूल के पास था और पास में ही गायत्री मंदिर था, जिससे हर बुधवार को टेंशन होती थी, क्योंकि जो धार्मिक लोग हैं तो वो पास में मीट बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो मीट को जो कट के देखें तो उससे अच्छा नहीं था। तो आज ने जन सुनवाई में ही बोला था, प्रस्तावित जगह है वो दे दी गई है सिरोंज रोड के पास, तो आज इनको दुकानें अलॉट की जा रही है, उसकी कार्रवाई की जा रही है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आरोन से खटीक समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिला कलेक्टर राजेश जैन से मिलने पहुंचा। इन लोगों का कहना है कि 15 वर्ष पुरानी इनकी मीट मार्केट जो आरोन बस स्टैंड के समीप स्थित है उसे प्रशासन द्वारा हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वह मार्केट वहां पर नगर पालिका द्वारा स्थापित की गई थी। लोगों की मांग है कि उस मार्केट को यथावत रखा जाए। बनी बनाई मार्केट है उसको हटाने की कह रहा है, इसको हटाओ दुकानदारी, अगर हम खुद नगर पालिका ने खुद बना के दी हमारे को सरकार की मार्केट है, बकरे की मटन मार्केट, मुर्गा की चक्कर, स्कूल है ना, मंदिर है ना, कुछ है, मार्केट है, बस स्टैंड कौन है और 15 साल पुरानी है सर। हटाने की कौन आदेश दे रहा है आपको? तो शिकायत करी गई, हटाने की कौन बोल रहा है? शिकायत करी गई थी, तो शिकायत करी थी रोड को, तो दुकान हटा दी आपकी? हाँ दुकान बंद है सर, अब तहसीलदार साहब और एडीएम साहब भी सब प्रशासन लेके पहुंचे, दुकान वकान फेंकने की बोल रहे थे। रेलवे कॉलोनी के रहवासी पानी की समस्या को लेकर हो रहे हैं परेशान। उक्त कॉलोनी वासियों का कहना है कि यहां पर नल सुबह 6 बजे से पहले ही आकर चले जाते हैं, जबकि लोग उस समय उठ भी नहीं पाते, इस कारण वहां पर पानी नहीं भर पाते हैं और उन्हें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह समस्या काफी लंबे समय से उन्हें झेलनी पड़ रही है। गनीमत है कि कॉलोनी में एक हैंडपंप लगा हुआ है जो इन लोगों की पानी की किल्लत को कुछ हद तक दूर कर रहा है। हेलो भाई, स्टेडियम जा रहा है, मेरे को सही नहीं है।
बहुत परेशानी है, सवेरे नल आते हैं 5:45 पर, और जब तक लोग बाग उठते हैं नल चल जाते हैं। हम नौकरी धंधा के आते हैं, जब तक इतनी समस्या है पानी की, काफ़ी टाइम से दिक्कत आ रही लोग बागों की, बरसात तक में परेशानी, जो कि बरसात में तो कोई परेशानी नहीं आती पानी, फिर भी दिक्कत पे दिक्कत आ रही पानी की। टैंकर आ जाता है एक आध दिन जो हेडपम्प है, जिससे हम लोग का गुजारा नहीं, हम लोग तो बहुत परेशान हो जाए। डीजी आना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।